दोस्तों स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक सेंटर में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती एंड प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट न्यू अपडेट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में एलटी शिक्षक और प्रवक्ता शिक्षक की जो है जल्दी यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। लगभग जो है जुलाई तक जो है आपको यही वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5% जो यहाँ पर जो अनाथ बच्चे हैं उनको यहाँ पर जुलाई में जो है यहाँ पर जो है आरक्षण दिया जाएगा, तब जाके ये वैकेंसी अभी जो है प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं आपको एलटी शिक्षक की भर्ती की बात करें तो यहाँ पर आर्ट वाले हैं उनको यहाँ पर जो है इनकी जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। और इसी वजह को हम जानने के लिए यहाँ पर जो एक्चुअल में एलटी की कितनी पोस्ट हैं और यहाँ पर आर्ट वालों के लिए यहाँ पर जो क्राइटेरिया है क्या यहाँ पर रखा गया है, एसएसटी की पोस्ट होंगी या नहीं होंगी, और जो प्रवक्ता की जो पोस्ट है वो एक्चुअली जो पोस्ट है वो कितनी यहाँ पर यूके तो प्लस यूके पीएससी के बाद अभी तक जो है पहुँची हैं, उसके लिए जो है हमने यहाँ पर एक आरटीआई लगा रखा है। तो इसके तहत आपको बताने वाले हैं कि जो यहाँ पर आरटीआई है वो इस तरह से रखा गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आरटीआई लगाया गया है और इसमें जो निम्नलिखित इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताने वाले हैं। इसमें तो देख सकते हैं यहाँ पर सेवा में श्रीमान लोक सूचना अधिकारी कार्यालय उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून, जो कि यहाँ पर विषय रखा गया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन। तो देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन कर दिया गया है, ये फॉर्म फिल हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे महोदय ठीक है ना, जो कि यहाँ पे आवेदक सूचना का अधिकार अधिनियम जो कि 5 के अंतर्गत यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित जो है जानकारी हमें प्राप्त करनी है, तो इसके लिए जो है निम्नलिखित बिंदु यहाँ पे उपलब्ध करवा रखे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो निम्नलिखित बिंदु हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक तो यहाँ पर जो आपके शिक्षा विभाग में जो सीधी भर्ती एलटी के हैं वो कितनी पोस्ट हैं, एक्चुअल जो पोस्ट है एक्चुअल में यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1231 पोस्ट हैं, कहीं कहीं पेपर में यहाँ पर अलग अलग लिखा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल जो पोस्ट हैं योग्यता परीक्षा के यहाँ पर अभी तक कितनी पहुँच चुकी हैं वो हम प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी जो है सीधी भर्ती में एलटी के जो यहाँ पर एसएसटी वाले के लिए है कुल कितनी पोस्ट हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर विवरण मांगा जा रहा है। और अलावा समूह ग के जो यहाँ पर कनिष्क सहायक की पोस्ट हैं वो कितनी पोस्ट हैं उसका यहाँ पर विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। और वहीं समूह ग में बीडीओ एंड बीपीडीओ की जो पोस्ट आने वाली हैं उसमें जो है कितनी पोस्ट हैं एक्चुअल में वो प्राप्त करने के लिए लगाया गया है। और आपको वहीं बताऊँ कि जो कार्यालय यूके पीएससी है तो वहाँ के लिए भी लगाया गया है, उसमें जो है लेक्चरर की जो कितनी पोस्ट हैं वो भी लगाया गया है। तो जैसे ही इस आरटीआई का जवाब मिल जाता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो एक्चुअल में जो यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे आरटीआई की जो मांगों की सूचना है उनको उपलब्ध कराए जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ऑफिशियली बता देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।